खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छपरी कही के एक रूमी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खपरी नाम है मेरा, खपर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आ गए का कैसन हो, कैसन चल रहा है, सब बढ़िया से चल रहा है ना? हम सोच रहे थे हाँ, लेकिन हम भूल गए कि हम का सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि आपके लिए एक गाना गा ले। आए हो हमारी जिंदगी में आप बहार बनके, हमारे दिल में यूं ही रहना प्यार प्यार बनके। कैसन हो दर्शक लोग, माना कि हम आवाज बुरी है पर गा तो हम दिल से रहे हैं आपके लिए। वो आयान मुखर्जी जी नहीं है, ऊपर मास्टर जो फिल्म बना रहे हैं कछु है ना, फिल्म की बारे में कछु तस्वीरें बताए हैं और शेयर किए हैं। चलिए पहले वो दिखाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र की शूटिंग से अनसीन तस्वीरें शेयर की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 5 साल बाद शूटिंग पूरी की। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब से अयान मुखर्जी ने अपने अगले डायरेक्टोरियल वेंचर की घोषणा की है। उत्साह तब और बढ़ गया जब निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 2 किश्तों में रिलीज होगी, लेकिन महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग लगातार आगे बढ़ती रही और रिलीज की डेट्स भी। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने शूटिंग और बीटीएस पलों के बारे में अपडेट शेयर करके अपने फैंस के साथ संपर्क में रहना सुनिश्चित किया। टीम ने हाल ही में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिव के रूप में रणवीर का पहला लुक जारी किया। उसके बाद आलिया का पहला लुक ईशा के रूप में उनके जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया। कुछ दिनों पहले वाराणसी से एक शूट की बीटीएस छवियों को वेब पर देखा गया और अयान ने अभी शेयर किया कि फिल्म की टीम ने आखिरकार 5 साल बाद फिल्म को रैप कर लिया है। अयान ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आखिरकार इट्स अ रैप, ब्रह्मास्त्र पर अपना पहला शॉट लेने के 5 साल बाद और हमने आखिरकार अपना आखिरी फिल्माया है शॉट। भाग्य का कुछ हाथ, हमने वाराणसी में पार्ट 1 शिव की शूटिंग पूरी कर ली है। शिव भगवान की भावना से ओतप्रोत शहर और वह भी सबसे पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो हमें पवित्रता के माहौल में खत्म करने की अनुमति देता है, खुशी और आशीर्वाद। बता दें कि फिल्म के निर्माता करण जौहर ने भी हाल ही में वाराणसी की शूटिंग से कुछ प्यारे से शब्दों और कुछ मीठे से शब्दों से वीडियो को शेयर किया और ट्विटर का सहारा लिया और लिखा, यह अद्भुत रोमांचक रोमांचकारी यात्रा, अत्यंत कड़ी मेहनत, समर्पण, प्यार और जुनून से भरी यात्रा का अंत हो गया। केवल आपके अनुभव के लिए बड़े पर्दे पर इसे उजागर करने के लिए ब्रह्मास्त्र भाग पार्ट 1 शिव 9/9/2022 को सिनेमा घरों में आ रहा है। हम तो ना बहुत एक्साइटेड है, वो तो रणबीर हमको बहुत पसंद है, का एक्टिंग करते हैं और आलिया और की जोड़ी तो अहम आहा का सुंदर लगते हैं ना दोनों साथ में, बहुत ही बढ़िया लगते हैं, का कहते हो दर्शक। तो हम तो जब आएगी ना, आपको बता रहे साथ में चलेंगे ना, चाय वाय पियेंगे, मस्ती से फिल्म देखेंगे। तो अभी तो हम जाते हैं आपके लिए खबर लेकर आते हैं, तो अभी तो कहीं ना जाइएगा, बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी के दर्शकों।